हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। प्रार्थना की खुशबू साइकिल प्योर अगरबत्ती। माँ, साईं बाबा का स्वागत करने के लिए मैंने रंगोली बनाई है। कैसी है रंगोली? भी तुम्हारी तरह प्यारी और खूबसूरत है। साईं बाबा इसे देखकर बहुत खुश होंगे। माँ, जब साईं बाबा आएंगे ना, तब मैं उनके साथ पटाखे जलाऊंगी। नए साल के दिन साईं बाबा को हम खाना खाने के लिए बुलाते हैं। हाँ, अग्दी बरोबर, ये ठीक है। साईं बेटे, तुम खाना खाने आओगे ना? आऊंगा माँ, जरूर आऊंगा। सबका मालिक एक। वाह लक्ष्मी बेटी, जीती रहो। भिक्षाम दे। नहीं माँ, क्या है? माँ, आज दिवाली है और साईं बाबा भिक्षा मांग रहे हैं तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। साईं बाबा आपको भिक्षाम दे की जगह रोप से कहना चाहिए था। लक्ष्मी बेटी, मैं भोजन करने आया हूँ। अरे, तुम तो साईं बाबा को डांट रही हो। डांटने दो लक्ष्मी की माँ, डांटने दो। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। भिक्षाम देही। जाइए, मैं आपसे बात नहीं करती। नहीं बेटी, तू नाराज नहीं होना। तू नाराज हो जाएगी तो ऐसा लगेगा सारी दुनिया मुझसे नाराज हो गई। अगर मैं तुम्हारे घर आकर भोजन करूं तो नाराज तो नहीं होगी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो बहुत खुश होंगी। तो ठीक है, नए साल के पहले दिन आकर मैं तुम्हारे घर भोजन करूंगा। सच? तू कहती है ना, तेरे बाबा कभी झूठ नहीं बोलते। काशीनाथ, काशीनाथ जी। हमारे लिए कल का दिन पवित्र और महत्वपूर्ण है। कल साईं बाबा हमारे घर भोजन करने आ रहे हैं। क्या लक्ष्मी की माँ, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। साईं बाबा तो हमारे यहाँ आने वाले हैं भोजन करने के लिए। उन्होंने खुद स्वीकार किया है। कल पाड़वा है, साईं बाबा तो हमारे घर आने वाले हैं खाना खाने। ये कैसे हो सकता है? साईं बाबा तो मेरे घर आने वाले हैं। तुम्हारे घर? हाँ, जब नबीला के अब्बा ने साईं बाबा से कहा साल मुबारक बाद देने, आप हमारे घर में तशरीफ लाएंगे बाबा, तो हमें बहुत खुशी होगी। हाँ उस्मान, मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगा और खाना भी खाऊंगा। जब साईं बाबा ने खुद कहा है तो वो हमारे घर ही खाना खाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। साईं मेरा बेटा है, उसने नए साल के दिन मेरे घर खाना खाने का वादा किया है। वो मेरे ही घर आएगा। साईं बाबा ने हमसे वादा क्यों किया? क्या बात है माँ, नाराज हो मुझसे? अरे वाह, का नहीं, क्यों ना रहूंगी नाराज। साईं बेटे, ये सब लोग बोल रहे हैं कल नए साल के दिन तुम उनके वहां खाना खाने जाओगे। बाबा, आपने हमारे घर भोजन करने का वादा किया था ना? हाँ, मैंने अपनी माँ को वचन दिया था और मैं अपना वचन कभी भंग नहीं कर सकता। सचाओगे? हाँ माँ। साचो ते रोना। साईं बाबा, तो आप कल हमारे घर नहीं आएंगे बाबा?
क्यों नहीं आऊंगा? तुम मुझसे रूठ नहीं जाओगी? ना बाबा ना, मैं अपनी लक्ष्मी बेटी को नाराज नहीं कर सकता। मैं कल भोजन करने तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। साईं बाबा, आप अगर लक्ष्मी के घर जाएंगे तो हमारे घर नहीं आएंगे खाना खाने? आऊंगा आनंदी, मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। क्या बात है उस्मान, लगता है तुम्हारी बेगम मुझसे नाराज हैं। क्यों, कहीं उसे ऐसा तो नहीं लग रहा कि कल मैं उसके घर खाना खाने नहीं आऊंगा? नहीं नूर बेटी, कल खाना जरूर बनाना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं भूखा ही वापस चला जाऊं। सच साईं बाबा, आप कल हमारे घर खाना खाने जरूर आएंगे? हाँ, बोल दिया तो बोल दिया, साईं बाबा कभी झूठ नहीं बोलते नूर। हाँ, अब चलो। क्या बात है मालसापति, चुप क्यों हो तुम? सोच रहा हूं गुरुदेव। क्या सोच रहे हो मालसापति? आपने तो हर एक को बोल दिया कि आप उनके घर खाना खाने जाएंगे, लेकिन आप अकेले सबके घर कैसे खाना खाएंगे? ये कैसे संभव है? सबका मालिक एक। लक्ष्मी, अरे ओ लक्ष्मी, तुझे पता है ना साईं बाबा हमारे घर भोजन करने आ रहे हैं, और तू है कि यहाँ बाहर क्या कर रही है? हाँ, माँ, साईं बाबा का स्वागत करने के लिए मैंने रंगोली बनाई है। कैसी है रंगोली? भी तुम्हारी तरह प्यारी और खूबसूरत है। साईं बाबा इसे देखकर बहुत खुश होंगे। माँ, जब साईं बाबा आएंगे ना, तब मैं उनके साथ पटाखे जलाऊंगी। आओ उस्मान, आओ नूर, आओ आओ। खाना तैयार है साईं बाबा, बस आप ही का इंतजार हो रहा है। आप आ रहे हैं ना बाबा? हा? हमारे घर? अरे क्यों नहीं आऊंगा, क्यों नहीं आऊंगा? मैंने शिरडी में दूसरी बार कदम रखा था, तुम्हारी बेटी नबीला की शादी का बराती बनकर। हाँ। उस समय जज्बातों की ऐसी आंधी चली थी कि मैं शादी का खाना ही नहीं खा पाया, लेकिन अब मैं तुम्हारी बेगम के हाथों का बनाया हुआ खाना जरूर खाऊंगा, देखना। साईं बाबा, आप अपने पसंद की कोई चीज बताइए ना, मैं वो भी बना दूंगी। चीज कोई भी हो, जो भी मुझे प्यार से खिलाता है, वो मेरे लिए पकवान से कम नहीं होती। हाँ, आऊंगा, जरूर आऊंगा। अरे मूर्खों, क्या हुआ? साईं बाबा जा रहे हैं। कहाँ जा रहा है? शिरडी छोड़ के जा रहा है? नहीं नहीं, वो शिरडी के घर घर में जा रहा है। नया साल है ना पाड़वा। हाँ, लोगों ने उसको घर में खाने पे बुलाया है। एक बार आप दोनों चलिए तो सही, पूरे शिरडी में तरह तरह के मसालों की खुशबू आ रही है। अब सुन के तो देखिए।